अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 90। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे सरफेस मॉडलिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। सरफेस मॉडलिंग में नेटवर्क का क्या फंक्शन है, लॉफ्ट, स्वीप, प्लानर, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, ब्लेंड, पाथ, पैच एंड ऑफसेट। आज के इस लेसन में हम इन कमांड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और आज का लेसन थोड़ा सा लेंथी भी होगा क्योंकि हमने कुछ चीज़ें तो की हुई हैं, लेकिन मैं आपको कुछ थोड़ा थोड़ा करके समझाऊंगा आपको, क्योंकि हमने लॉफ्ट कमांड्स, स्वीप, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, ब्लेंड, पैच कमांड्स थोड़ी सी हमने की हुई भी हैं। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा। ऑटोकैड को ओपन करता हूँ और आज सबसे पहले हमारे पास नेटवर्क कमांड्स, तो नेटवर्क लॉफ्ट, स्वीप, हमने लॉफ्ट और स्वीप कमांड दोनों की हुई है, रिवॉल्व कमांड की हुई है, लेकिन आज हम नेटवर्क के ऊपर पहले डिस्कस करता हूँ। तो स्टूडेंट, नेटवर्क के ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे एक तीन सरफेस में क्रिएट करता हूँ स्पेल लाइन से, SPL इंटर करता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ तीन एक सरफेस में क्रिएट करता हूँ। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीन सरफेस मैंने क्रिएट किया और यहाँ से अब मैं इसको SWI सिमेट्रिक व्यू में लेके जाता हूँ और इन तीनों को मैं 3D में रोटेट करता हूँ। तो रोटेट करने का क्या तरीका है, उसके लिए आपने RO एंटर करना है, एक एक करके आप रोटेट करें, RO 3D, RO रोटेट 3D, और सिलेक्ट करता हूँ इसको मैं, राइट क्लिक एंड यहाँ से यहाँ तक या फेड प्रेस करें स्ट्रेट लाइन के लिए और 90 एंटर कर दें, ये भी रोटेट हो गया। अब इसको भी रोटेट करता हूँ, RO एंटर, सॉरी RO और रोटेट 3D जो आपने क्लिक करना है, वो भी कुछ सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ से यहाँ तक लाइन लेता हूँ और 90, और थर्ड ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करता हूँ, RO रोटेट 3D, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक और यहाँ से यहाँ तक 90। ओके, अब मैं इनको क्या करता हूँ, यहाँ से इनका सरफेस क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ से स्पेल लाइन पढ़ लूँगा, SPL इंटर, और फर्स्ट कॉर्नर पे इसके फर्स्ट कॉर्नर पे सिलेक्ट कर क्लिक करता हूँ, सेकंड पे क्लिक करता हूँ एंड थर्ड पे। ओके, और यहाँ पे भी यही काम करता हूँ, स्पेल लाइन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, अब जो मैंने काम करना है वो क्या करना है जी, मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ 3D में, और उससे पहले मैं इसको यहाँ पे होम में क्लिक करता हूँ और यहाँ से 2D वायर फ्रेम की जगह मैं यहाँ पे रियलिस्टिक पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि मुझे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सही रियल नज़र आए। ओके, और अब मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, सरफेस में नेटवर्क नेटवर्क बनाऊँगा इसका मैं। तो नेटवर्क के लिए आपने नेटवर्क के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे नीचे कह रहा है कि फर्स्ट डायरेक्शन आप सिलेक्ट करें, फर्स्ट डायरेक्शन, तो मैं फर्स्ट डायरेक्शन ये और ये सिलेक्ट करता हूँ, इस डायरेक्शन में हमारे पास नेटवर्क बने, और सेलेक्ट करने के बाद आप स्पेस प्रेस करें अपने कीबोर्ड से। अब आपसे कह रहा है, सॉरी ये स्पेस प्रेस करता हूँ, अब आपसे कह रहा है यहाँ पे, मैं दोबारा आपको बताता हूँ क्योंकि मेरे पास माउस क्लिक हो गया था, नेटवर्क पे क्लिक करें, फर्स्ट डायरेक्शन फर्स्ट, ये आपकी फर्स्ट डायरेक्शन आ गई, स्पेस प्रेस करें। अब आपसे कह रहा है सेकंड डायरेक्शन, आप यहां पे देखें तो कह रहा है आपको सेकंड डायरेक्शन में सेलेक्ट करें, सेकंड डायरेक्शन के लिए फर्स्ट ये और ये, इस डायरेक्शन में मैं इसको नेटवर्क बनाना चाह रहा हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, तो आप देखिएगा, आप देख सकते हैं कि आपके पास एक सरफेस क्रिएट हो गया, जैसा कि आपको ऐसा लग रहा हो जैसे कोई कपड़ा वगैरह होता है या कोई इस तरह का सरफेस बना हुआ, आप देख सकते हैं क्रिएट, हमारे पास एक नेटवर्क का फंक्शन है। नेटवर्क के बाद है लॉफ्ट कमांड, तो लॉफ्ट कमांड के लिए मैं लॉफ्ट में भी इसी पे अप्लाई कर देता हूँ कंट्रोल जेड, क्योंकि हमने लॉफ्ट कमांड की हुई भी है, लेकिन मैं आपको दोबारा समझाने के लिए मैं यहाँ से आपको लॉफ्ट कमांड के बारे में बताता हूँ कि लॉफ्ट कमांड होती क्या है। और अब लॉफ्ट कमांड के लिए मैं यहाँ पे इन इस डायरेक्शन को और इस डायरेक्शन को डिलीट करूंगा, यहाँ से इसको भी डिलीट करना चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको चलो नहीं डिलीट करता, और मैं यहाँ से यहाँ तक का जो है
मैं इसको यहाँ पे सरफेस देता हूँ फॉर एग्जांपल, या मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। और आप इसको अपने सरफेस पे, लॉफ्ट कमांड हमेशा सरफेस के ऊपर ड्रॉ होगी, तो सरफेस के लिए आपने क्या करना है, एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक करना है, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, स्पेस, और ये देखिए मैं आगे जिस डिस्टेंस को लेके जा रहा हूँ तो ये हमारे पास एक्सट्रूड हो रहा है। दूसरे सरफेस को भी सिलेक्ट करें यहाँ से, स्पेस, और इसको भी मैं आगे लेके आता हूँ। ओके, तो ये देखिए हमारे पास एक सरफेस बन गया। और अब मैंने इस सरफेस पे मैंने क्या काम करना है, इस एक्सट्रूड पे क्या काम करना है, मैं कलर पहले देता हूँ, सबसे पहले कलर लेता हूँ ताकि उससे मुझे पता चले कि हमारे पास लॉफ्ट कमांड अप्लाई हुई है कि नहीं। तो उसके लिए मैं ब्लू कलर लेता हूँ, ओके करता हूँ। और अब लॉफ्ट कमांड पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट कॉर्नर इसको सिलेक्ट करूंगा और सेकंड कॉर्नर इसको सिलेक्ट करूंगा। तो देख सकते हैं आपके पास, मेरे पास लॉफ्ट आ गया, और लॉफ्ट में तीन ऑप्शन दे रहे हैं, गाइड, पाथ एंड क्रॉस सेक्शन। तो मैं क्रॉस सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। ओके, गाइड और पाथ मैंने आपको बताया मैं कि उसका फंक्शन क्या होता है, गाइड्स और पाथ का, तो आप वो भी अप्लाई करके इसमें देख सकते हैं गाइड्स और पाथ का क्या फंक्शन है, क्योंकि हमने प्रीवियस हमने लेसन में हमने जब होम में हम काम कर रहे थे तो होम में हमने ये सारी कमांड इनके इन पे काम किया था। होम में हमने काम जो किया था लॉफ्ट कमांड में, तो यहाँ पे आप देखें लॉ एक्सट्रूड पे भी काम किया था, लॉफ्ट पे भी, रिवॉल्व पे भी, स्लीव स्वीप पे भी, तो इन सारी कमांड्स पे हमने काम किया था। तो ये आप वहाँ से डिस्कस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और अगर मसला है कोई समझ नहीं आती तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पूछ भी सकते हैं, गाइड्स भी आपको कर लेंगे। नेक्स्ट आप बस यहाँ पे सरफेस में नेक्स्ट जो कमांड है वो है बस स्वीप कमांड। तो स्वीप कमांड के लिए क्या होता है कि स्वीप कमांड्स के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आ जाएगी। तो उसके लिए मैं एक सर्कल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आर्क लेता हूँ, या सर्कल सी एंटर करता हूँ, या फिर मैं आर्क लेता हूँ एंटर करता हूँ, ए एंटर करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, F8 प्रेस करके, कि कार्ड मैंने ले ली। और अब इस आर्क को मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं रोटेट करता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देखें लॉफ्ट पे भी आपको यहाँ पे देखें स्वीप और हर कमांड्स के यहाँ पे देखें कंप्लीट तरीका कार भी बताया हुआ है कि आप किस तरह इस पे काम कर सकते हैं। तो इसको मैं रोटेट करता हूँ, RO, RO, रोटेट 3D एंड 90 के एंगल में। और इस पे मैं सरफेस क्रिएट करता हूँ, सरफेस के लिए एक्सट्रूड पे क्लिक करें, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करके इसको पीछे ले जाएं, तो आपके पास एक सरफेस क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे मैं काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एस स्पेल लाइन लेता हूँ, SPL एंटर, और इसको मैं 3D में रोटेट करूँगा फॉर एग्जांपल। कोशिश करूंगा आपको समझ आ जाए। तो आर ओ एंटर, मैं बार बार आर ओ कर लेता हूँ, आर ओ 2D के लिए होता है, रोटेट 3D में करने के लिए आर ओ एंटर करने के बाद आप 3D को सिलेक्ट करना होता है आपने। तो उसके लिए हमेशा आप याद रखिएगा कि जब भी आप कमांड ही अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आर ओ एंटर करके आपने 3D, आप आर ओ जब लिखते हैं आर ओ तो नीचे आपके पास आर ओ रोटेट 3D पे ऑप्शन आ जाता है, तो उस पर क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें अपने को, स्पेस स्पेस प्रेस करें, और स्पेस प्रेस करके आप यहाँ से यहाँ तक 90 का एंगल दे दें। ओके, मूव करते हैं उसको एंटर। मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये कमांड अप्लाई होगी कि नहीं, तो उसके लिए मैं स्वीप पे क्लिक करूँगा, अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद मैं सेकेंड ऑब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करता हूँ, ये स्पेस प्रेस करूँगा और सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास स्वीप कमांड भी अप्लाई हो गया, आप देख सकते हैं कि स्वीप कमांड का फंक्शन है, कंट्रोल जेड करता हूँ, कलर लेता हूँ COL एंटर, ताकि आपको क्लियर नजर आए, इसलिए मैं कलर ले रहा हूँ बार बार कि स्वीप ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। और अब मैं यहाँ पे दोबारा स्वीप पे क्लिक करूंगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट क्लिक करूंगा, स्पेस प्रेस करता हूँ, अपने दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ। अब देख सकते हैं आपका स्वीप कमांड अप्लाई हो गया, देख सकते हैं, क्योंकि जैसी डायरेक्शन मैंने दी थी इसमें, उसमें भी यही, इसमें भी वैसे की वैसे स्टाइल में वर्कर्स काम कर रहे हैं, देख सकते हैं।
तो स्वीप कमांड भी अप्लाई होगी। नेक्स्ट आपका प्लानर, तो प्लानर का फंक्शन ही होता है कि फॉर एग्जांपल मैं पॉलीलाइन लेता हूँ, पीएल इंटर करता हूँ, क्लोज करते हैं इसको, प्लानर पे क्लिक करूंगा, अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, या फिर देखते हैं जी प्लानर का, प्लानर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे दिया हुआ है इसने ऑब्जेक्ट, कह रहा है कि फर्स्ट कॉर्नर सेकंड कॉर्नर पे क्लिक करें या फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए ओ एंटर करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, देखें ये प्लानर में कन्वर्ट हो गया। और इसके अलावा नॉर्मल जो प्लानर आप ड्रॉ करते हो तो वो प्लानर पे क्लिक करें और आपको यहाँ से आप क्लिक करके आप एक प्लानर ड्रॉ कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये प्लानर ड्रॉ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास प्लानर के बाद है आपके पास एक्सट्रूड का ऑप्शन, मैंने अभी बता दिया आपको। नेक्स्ट है आपके पास रिवॉल्व, तो रिवॉल्व का फंक्शन क्या होता है कि रिवॉल्व के लिए मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे पॉलीलाइन ड्रॉ करता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ, F9 प्रेस हो गया था मुझसे और F9 से वीडियो रुक जाती है। ओके मैं इसके लिए मैं एक पॉलीलाइन ड्रॉ करता हूँ, पीएल एंटर, और पॉलीलाइन के लिए मैं यहाँ से F8 प्रेस करूँगा यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे पॉलीलाइन ड्रॉ कर ली, और अब मैं इस पे इस तरह करता हूँ कि एक्सपेल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो SPL एंटर करता हूँ, या आपकी मर्जी, आप पॉलीलाइन से भी आप ले सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले इसको रोटेट करता हूँ, 3D में रोटेट करता हूँ, तो RO एंटर, सॉरी आर हो, फिर मैंने वही काम किया, रोटेट 3D, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस और 90, ओके। और अब मैं यहाँ पे काम करूँगा जी, स्पेल लाइन लेता हूँ, SPL एंटर, पॉलीलाइन भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी लें, थोड़ा सा ऊपर मूव करता हूँ ताकि मुझे क्लियर नज़र आए और मैं इस पे काम भी आसानी से कर सकूँ। ओके अब मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट को प्रेस कर थोड़ा सा अपनी तरफ यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ, और एक गड़बड़ हो गई जी, आपको नज़र आ रही है क्या गड़बड़ हुई है, पॉलीलाइन लेता हूँ, पीएल एंटर, और आर के लिए एंटर करता हूँ, यहाँ से मैं फ्रंट पे आ जाता हूँ, पीएल एंटर, F8, स्पेल लाइन ले लेता हूँ, टॉप पे गया था हूँ, टॉप पे, अब यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, या फिर यहाँ से फ्रंट पे भी आप ला के कर सकते हैं काम, एंटर, एल एंटर, पी एल एंटर, F8, और आर के लिए एंटर, एल एंटर, ट्रिम
फ्रेम करता है इसको बीच में, टी आर डबल इंटर, ओके। और यहाँ से मैं 3D व्यू में आता हूँ, टॉप में 3D में आता हूँ, अब काम करता हूँ, देखता हूँ काम करेगा कि नहीं। उसके लिए मैं यहाँ से रिवॉल्व पे क्लिक करता हूँ और अपने इस ऑब्जेक्ट, फ्रंट वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करूँगा और कह रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट यहाँ से, या फिर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ इसको और यहाँ तक लेके आता हूँ, और अब इसको मूव कर रहा हूँ तो देखिए मेरे पास रिवॉल्व पॉइंट अप्लाई हो रही है, देख सकते हैं, देख सकते हैं। देखें तो मेरे पास एक रिवॉल्व ऑब्जेक्ट बन गया, देखें अच्छा ऑब्जेक्ट बने यहाँ पे, देख सकते हैं। तो ये था जी रिवॉल्व कमांड का फंक्शन, और ये भी आपको समझ आ गया होगा रिवॉल्व का क्या फंक्शन है। ब्लेंड है, पैच और ऑफसेट, ये भी आपको समझाता हूँ इसका क्या फंक्शन है, और ब्लेंड का फंक्शन क्या है जी। ब्लेंड का फंक्शन ही होता है यहाँ पे, तो उसने और तरह से बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ ब्लेंड का ऑप्शन, फिर पैच का ऑप्शन और फिर ऑफसेट का। तो ब्लेंड से पहले मैं पैच का ऑप्शन बताता हूँ, क्योंकि ब्लेंड थोड़ा सा आपको ब्लेंड में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो एस डब्ल्यू आई सीमेट्रिक टॉप, अच्छा ब्लेंड के लिए मैं यहाँ से, पैच के लिए मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ या फिर मैं स्पेल लाइन ड्रॉ करता हूँ, उसके लिए एस पी एल एंटर, और इसको मैं यहां से एक्सट्रूड करूंगा, एक्सट्रूड क्यों नहीं हो रही, देखो कौन कौन से ऑब्जेक्ट को इस एक्सट्रूड करते हैं, एक्सट्रूड ओपन ऑब्जेक्ट सरफेस एंड इसने जी यहाँ पे एक्सट्रूड किया, देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से जी ये जो पैच कमांड है इसके ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं कलर इसका चेंज करता हूँ, सी ओ एल इंटर। तो पैच कमांड जो होती है ये आपके जो ओपन एरिया होता है उसको क्लोज करने के लिए उसकी जाती है। तो पैच पे क्लिक करता हूँ और अपने यहाँ से कहीं कॉर्नर को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ और कंटिन्यूसली के स्पेस प्रेस करता हूँ, देख सकते हैं इसे यहाँ से इसने क्या कर दिया, फिल कर दिया उसका एरिया जो हमारे पास खाली था। तो ये होता है पैच कमांड का फंक्शन होता है, और इसी पैच कमांड में देखते हैं जो और कौन से ऑप्शन है उन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। पैच कमांड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और स्पेस प्रेस करता हूँ, कंटिन्यूसली पे क्लिक करता हूँ और G1 या जो भी आप इस पर क्लिक करें, वापस देखें यहाँ पे हमारे पास, ये देख सकते हैं हमारे पास G1 मैंने किया, तो देखें ये हमारे पास पैच इसने कैसा किया, आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली। और इसी तरह पैच कमांड के ऊपर दोबारा डिस्कस करते हैं और देखते हैं और क्या है इसमें ऑप्शन है, क्लिक करें स्पेस और उसके बाद है बज मैग्नीट्यूड पे क्लिक करें, और यहाँ से आपको कह रहा है कितना आपने मैग्नीट्यूड देना है, तो आप यहाँ से देखें बढ़ा दें 5 है, मैं 5 10 करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आप देख सकते हैं इसने मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे 10% वापस मैग्नीट्यूड दे दिया। नेक्स्ट है इसी तरह पैच कमांड के ऊपर दोबारा डिस्कस करता हूँ, क्लिक करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ और गाइड्स, तो गाइड्स मैंने नहीं दी हुई, तो आप गाइड्स देना चाहें तो गाइड्स पे भी क्लिक कर से गाइड्स आप दे सकते हैं, स्पेस प्रेस करें तो हमारे पास गाइड मैंने नहीं दी हुई, तो गाइड का ऑप्शन मैंने अच्छी तरह से मैंने स्वीप कमांड और लॉफ्ट के ऊपर डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ से पता कर लीजिए गाइड का क्या फंक्शन है। लेकिन गाइड का फंक्शन भी वही है जो हमने मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसको गाइड लेने के लिए मैं ओके गाइड का ऑप्शन आप वहीं से देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास लेसन बहुत लेंथी होता जा रहा है फिर इस तरह। और नेक्स्ट हमारे पास ब्लेंड कमांड, तो ब्लेंड कमांड का क्या फंक्शन है, और ब्लेंड कमांड से पहले ऑफसेट पे भी डिस्कस कर लेते हैं ऑफसेट का क्या फंक्शन है। तो ऑफसेट का फंक्शन ये है कि मैंने फॉर एग्जाम्पल एक आर्क ड्रॉ करता हूँ,
आगरा करता हूँ, ARC एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट आगरा की, और मैं इस आर को क्या करता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ EXT या फिर ये वाला एक्सट्रूड हमारे पास होगा, उससे उसके लिए पहले मैं रोटेट करता हूँ उसको 3D में, RO रोटेट 3D, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ और यहाँ से यहाँ पे इसको 90 पे रोटेट करता हूँ। ओके अब मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रूड करूँगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ स्पेस और इसको मैं इस साइड पे एक्सट्रूड करता हूँ। ओके कलर लेता हूँ COL एंटर। ओके और अब मैं इसको यहाँ से ऑफसेट देता हूँ, ऑफसेट के लिए आप अपने फेसेस को सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करें, कितना ऑफसेट देना चाह रहे हैं, 5 ऑफसेट देना चाह रहा हूँ, एंटर करता हूँ, देखिएगा 5 के ऑफसेट पे हमारे पास, देखें तो इसके बाद हमारे पास ये 5 के ऑफसेट पे यहाँ पे ये भी ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास ऑफसेट का फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लेंड का फंक्शन। तो ब्लेंड का क्या फंक्शन होता है, ब्लेंड का क्या फंक्शन होता है उसके लिए भी डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए मैं एक काम करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ पे SWG आइसोमेट्रिक जगह मैं यहाँ पे राइट पे आता हूँ और इसमें मैं कुछ ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट जो ड्रॉ करता हूँ जी वो क्या है जी, मैं एक मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करता हूँ या फिर मैं पोलियन लेता हूँ, PL एंटर करता हूँ, इस कॉर्नर पे F8 प्रेस करता हूँ, और यहाँ से कोर में पोलियन ड्रॉ करता हूँ, और उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल स्पेल लाइन ले लेता हूँ, पोलियन ही SPL एंटर करता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ से टॉप व्यू में जाता हूँ और यहाँ से मैं टॉप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसके व्यू में SWS मैट्रिक व्यू में जाता हूँ। ओके ये काम करने के बाद मैं यहाँ से UCS आइकन को अपनी ओरिजिन पॉइंट में लेके जाता हूँ, UC एंटर, डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट, ओके। और अब मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ, इसको एक्सट्रूड करता हूँ, शिफ्ट को प्रेस करके मैं देखता हूँ ज़रा कि मेरे पास 3D में ही है, 3D में ही है, तो मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ फॉर एग्जाम्पल EXT एंटर, सॉरी यहाँ से इसे एक्सट्रूड करता हूँ और सारे के सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करके एंटर करके उसमें मूव करता हूँ इस साइड पे। ओके कलर COL एंटर। ओके अच्छा ये एक्सट्रूड हो गया, अब मैं इन दोनों को आपस में जोड़ना चाह रहा हूँ, तो जोड़ने के लिए मैं यहाँ से ब्लेंड का ऑप्शन यूज़ करूँगा, ब्लेंड पे क्लिक करता हूँ, इसका फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ फर्स्ट को और इसके फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, तो देखते हैं कि मेरे पास ये क्या काम करेगा कि नहीं, तो नहीं कर रहा तो मैं देखता हूँ क्या क्या मसला है। ब्लेंड सेकेंड स्पेस, ओके फर्स्ट को भी सिलेक्ट करना है, सेकेंड को भी सिलेक्ट करके अपने स्पेस प्रेस करके सिलेक्ट करना है, कंटिन्यूस पे क्लिक करें और यहाँ पे G1 की जगह सिर्फ ओनली गो करें, गो करें, स्पेस प्रेस करें, तो देखें बस देख सकते हैं, तो एक हमारे पास यहाँ पे एक सरफेस क्रिएट हो गया है। दूसरों का ऑप्शन क्या है वो भी हम देखते हैं, ब्लेंड पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट कॉर्नर पे सिलेक्ट स्पेस, सेकेंड को सिलेक्ट करता हूँ स्पेस और कंटिन्यूसली पे क्लिक करके मैं G1 पे क्लिक करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, देखें इसका ऑप्शन ये हमारे पास थोड़ा सा राउंड हो गया है, देख सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन में देखता हूँ उसका क्या फंक्शन है, तो उसके लिए मैं ब्लेंड पे दोबारा क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ स्पेस, सेकेंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ स्पेस और यहाँ से मैं बज मैग्नीट्यूड पे क्लिक करता हूँ, कितना मैग्नीट्यूड देना चाहता हूँ 10, तो देख सकते हैं ये 10 मैग्नीट्यूड में, देख सकते हैं क्या इसका ऑप्शन कैंपस किस तरह मूव हो गया, देख सकते हैं ये यहाँ से इस तरह इसने करके है, फिर यहाँ से ये देख सकते हैं क्लिक करता हूँ ये यहाँ से ये और इसके साथ फिर इसने इस तरह जोड़ा है तो ये मैग्नीट्यूड आ जाता है, तो आप यहाँ से मैग्नीट्यूड कम या चेंज कर सकते हैं। ब्लेंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ स्पेस, सेकेंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ स्पेस और स्पेस आप प्रेस कर लें तो आपके पास हमारे पास ये ऑब्जेक्ट ऑप्शन
ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी की सारी हम अभी सरफेस मॉडलिंग के ऊपर हमने डिस्कस किया, तो इसके थ्रू आप काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट बना भी सकते हैं। तो ये था जी हमारे पास हमारा जो लेसन नंबर 90। एंड चल अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, कुछ और काम करेंगे सरफेस मॉडलिंग के ऊपर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।